हेलो एवरीवन मैं हूँ शमा और आप देख रहे हो मेरा चैनल सिंपल ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल इन हिंदी तो आज के इस वीडियो में मैं इस तरह की कैरी बैग या शॉपिंग बैग का यूज़ बता रही हूँ आई होप कि आप सबके पास हैं और इसका बेहतरीन इस्तेमाल आप इस तरीके से कर लीजिए कोई एक हैक जो है वो आपको जरूर काम आएगा और प्लीज़ गाइज जो भी हैक आपको पसंद आएगा वो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा आप तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पे कैरी बैग लिया है और बीचों बीच का पार्ट को एकदम मैंने मार्क किया है एक प्लेट ले रही हूँ मैं और इसमें हम ऊपर से करीबन एक इंच छोड़ कर के बीचों बीच में प्लेट रखेंगे दोनों साइड इक्वल रखेंगे और एक मार्क कर लेंगे ये देखिए इस तरीके से सर्कल किया है अब इस सर्कल को पहले थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट ही हमें कट करना है थोड़ा सा कहीं से भी एक कट सर्कल के बीच में लगा लीजिए उसके बाद से पूरा सर्कल को आप कटिंग कर लीजिए इस तरीके से सेम तरीका गाइज मैं दूसरे वाले शॉपिंग बैग में भी करूँगी यहाँ पे तो इसमें मैंने ये हैंडल वाला शॉपिंग बैग लिया है और इसी तरीके से बीच में रखेंगे ऊपर से एक इंच मैं छोड़ रही हूँ जहाँ से हैंडल है और एक मार्क कर लूँगी और इसको भी ऊपर वाले पार्ट को ही सिर्फ हमें पकड़ के कट कर लेना है तो एक हमने ऊपर साइड में कट लगाया है और एक नीचे साइड में दूसरे शॉपिंग बैग में लगाया है यहाँ पे हम एक सिलाई लगा लेंगे इसकी और इसको नीचे से बंद करेंगे तो ये देखिए ऊपर में एक सिलाई लगाई है ये पूरा हमारा ऑर्गेनाइज़र इस तरीके से है अब क्या करेंगे हम कि इसको इस हैंडल को हम निकाल लेंगे और इस हैंडल को हम फिर से इसमें लगाएंगे तो हैंडल को बीच से कट करके नहीं सॉरी हैंडल को साइड से हम कट करके निकाल लेंगे दोनों हैंडल को पूरा ही निकाल लेना है और उसके बाद से साइड से करीब दो दो इंच छोड़ के हैंडल को हमें सेट कर लेना है इस तरीके से देखिए दोनों को इस तरह रखेंगे और आगे पीछे दोनों को ऐसे सेट कर लेंगे एक आगे और एक पीछे ऐसे सेट करना है और एक इधर सेट करना है, तो ये देखिए दोनों सेट हो गया अब दोनों कट कर देंगे दोनों हैंडल को और हैंडल को हम एक हैंगर में इस तरीके से बांध देंगे हैंगर को बांधने में ये है कि आप कभी भी इसको वॉश कर सकते हैं खोल करके आप सिंपल आप ये ऑर्गेनाइज़र ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से आप या फिर दूसरा वाला पीस इसमें हम जोड़ेंगे नीचे देखिए नीचे वाले पार्ट में मैंने दूसरा वाला पीस जोड़ा है और कहीं पे भी आप इसको हैंग कर सकते हैं ऊपर वाला पार्ट जो है एज अ लॉन्ड्री बैग आप यूज़ कर सकते हैं और नीचे वाला जो पार्ट है वो आप एज़ अ शू ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं बहुत सारे शूज़ के पेयर्स आपके इसमें आ जाएंगे और ऊपर वाले में हम लॉन्ड्री के पुराने गंदे कपड़े आप रख सकते हैं तो सेकंड हैक जो बता रही हूँ वो भी बहुत सिंपल है हैगा तो इसमें एक प्लेन कैरी बैग है मेरे पास तो ये ले रखा है मैंने और इसमें एक हैंगर का हम यूज़ करेंगे हैंगर को जो ऊपर का ओपन साइड है वहाँ से रखेंगे इस तरीके से और ऐसे एक तिरछा निशान लगा लेंगे हैंगर के शेप में हैंगर को हाथ से रखते हुए एक निशान लगा लेंगे ये निशान हमको उल्टी तरफ से लगाना है और बाद में इसकी सिलाई हमें कर हमने करनी है नीचे का साइड जो है हल्का सा कट करके पूरा ओपन कर देंगे ये देखिए नीचे की साइड को खोल देंगे अब इसको उल्टा कर लेंगे इस बैग को क्योंकि हमें उल्टी तरफ सिलाई लगानी है और उसी तरीके से जो निशान हमने लगाया था वही निशान पे हम इस पर सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ देखिए उसी निशान पे हमने एक एक सिलाई लगा ली है अब इससे सिलाई के बाद से जो कपड़ा बचता है उसको हम कट करके निकाल देंगे ध्यान रखिएगा जो सिलाई लगाई है उसमें बीच में हमने करीबन डेढ़ इंच ये छोड़ रखा है इसका होल तो इस तरह से छोड़ देना है डेढ़ इंच इसको अब हम सीधा कर लेंगे वापस सीधा करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा ये देखिए आप चाहो तो इसमें हैंगर नहीं लगा सकते लगाना हो तो ना लगाइए इसी से आप होल से इसको आप हैंग कर सकते हैं लेकिन मैं हैंगर इसमें यूज़ कर रही हूँ तो हैंगर इसको इन करूँगी नीचे से नीचे से चूँकि हम लोगों ने कट किया था तो नीचे से इजीली ये हैंगर ऊपर आ जाएगा और ऊपर जो इसका हुक है उसको हम होल के रास्ते बाहर कर लेंगे अब यहाँ पे मार्क लगाएंगे हम मार्क जो है दो लगाएंगे दो निशान बीचों बीच से आप डिवाइड कर लीजिए मैं इसमें छः इंच हाफ ही डिवाइड कर रही हूँ ये डिपेंड करता है कि आपकी शॉपिंग बैग कितनी बड़ी है उस हिसाब से आप इसको डिवाइड कीजिएगा बस इसकी एक मार्क मैंने की है और इसको हम सीधा लाइन में ड्रॉ कर लेंगे एक लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे जहाँ पे हैंगर का हमारा लास्ट वाला जो वो है वो फिनिश होता है वहाँ पे तो एक मार्क यहाँ कर लीजिए अब दोनों मार्क के ऊपर हमें सिलाई लगानी है दो सिलाई इसमें लगेगी एक ऊपर एक नीचे देखिए मैंने दो सिलाई लगाई है एक यहाँ पे लगाई है और एक हैंगर के नीचे लगाई है अब हम कटिंग करेंगे और कटिंग के लिए सिलाई को छोड़ते हुए हम ऊपर वाली जो हैंगर के नीचे सिलाई है उसको छोड़ते हुए वहाँ से हल्का सा हम नोक से ज़रा सा हम कट करेंगे एकदम और जब ज़रा सा कट हो जाएगा तो फिर उसकी लेंथ लेते हुए हम पूरी लंबाई में कट कर लेंगे ये सिर्फ़ ऊपर का पार्ट कट हो रहा है इस तरह कट करने के बाद एक पॉकेट आपको इसमें मिल जाएगी आप चाहो तो इस पॉकेट को और भी डिवाइड कर सकते हैं बीच से या सिंगल एक बड़ी पॉकेट आप चाहो तो इस तरह से छोड़ सकते हैं बस इसमें और कोई सिलाई नहीं लगनी है तीन सिलाई हमने इसमें लगाई हैं अब क्या करना है ये नीचे वाला पार्ट खुला है इसको हमने ऐसे ही छोड़ा है अब यहाँ पे हम मार्क करेंगे ये अंदाज़ से मैं थोड़ी थोड़ी दूर पे कर रही हूँ और टोटल मैंने इसमें पाँच लगाए हैं निशान पाँच लगाए हैं अब इन निशान को हम छोटे छोटे सर्कल में कट कर लेंगे और ये कट जो है हम कैरी बैग के दोनों साइड करने हैं है हमें तो इस तरीके एक तरीका और बता दे रही हूँ मैं अभी कट करने का ऐसे उठाइए और इसको इस तरह से गोल कट कर लीजिए एक साथ हो जाएगा लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत बड़ा नहीं कट करना है स्टार्टिंग में आपको छोटा ही पहले कट करना है इसी तरीके से हम पाँचों होल जो है उसको काट देंगे और ये देखिए ये मैंने कट कर लिया है शेप का कोई वो नहीं है शेप है वो भी आपको चलेगा ये अब यहाँ पे इसमें यूज़ कर रही हूँ मैं ये कॉटन आईलिट इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगी ये सस्ती और महंगी दो तरीके की आती है डिपेंड करता है कि कितना कितनी महंगी और सस्ती आपको चाहिए तो ये तीन से चार रुपये की आती है ये वाली और जो सबसे मतलब लोएस्ट प्राइस है इसका प्लास्टिक में भी आती है मेटल में भी आती है तो सर्कल में इस तरह से इसको ऊपर वाले को हम बिठा लेंगे ऐसे ये बैठ जाएगा और इसमें एक रबर की इस तरह से अलग से रिंग आएगी इसको हम इसमें ज्वाइन कर देंगे ताकि ऊपर वाला जो रिंग है वो निकले ना तो ये इसको फिक्स कर देगा इस पर पूरी वीडियो मैंने बनाई है कि कर्टन कोई आई लिट कैसे लगाते हैं वो वीडियो आप सर्च करके सिंपल ब्यूटी कर्टन लिट देख सकते हैं ये देखिए इसमें कितनी फिनिशिंग आ गई है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ये लगा है एक पीस और मैं चलिए मैं दिखाती हूँ ये पेयर में ही आते हैं तो ध्यान रखिएगा जब भी लीजिएगा ये पेयर में ही लीजिएगा पच्चीस तीस रुपये की आपको छः पीस मिल जाएंगी तो पहले नीचे वाला सेट करेंगे ऊपर से रबर वाली पीस को हम हाथ से दबा के इसके ऊपर बिठा देंगे प्रॉपर ये बैठ जाएगा ये देखिए और ये प्लास्टिक की है मेटल की भी आती है तो आपको जो सही लगे वो आप ले सकते हैं इसी तरह से बाकी में मैं कर लूँगी ये देखिए बन के हमारा ऑर्गेनाइज़र रेडी है चलिए इसका यूज़ बताते हैं नीचे का ओपन ही रहने देंगे और बीच से एक सिलाई लगाई है ऊपर एक सिलाई लगाई है और यहाँ पे एक सिलाई तीन सिलाई टोटल इसमें लगी है बाकी हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया इसमें ये ऐप आप एज अ ऑर्गेनाइज़र अपने अलमारी में आप टांग सकते हैं इसको इसमें बेल्ट को होल्ड कर सकते हैं चश्मे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसमें इस तरह से होल्ड कर सकते हैं ऊपर की पॉकेट भी आपकी मिलेगी जो आप मल्टीपल तरीके से उसका भी यूज़ कर सकते हैं तो कैसा लगा ऑर्गेनाइज़र ज़रूर बताइएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सी हैक आपको ज़्यादा पसंद आई है नेक्स्ट जो डी कर रही हूँ गाइज उसमें मैंने एक थोड़े से बड़े वाले बैग का यूज़ किया है और इसकी उल्टी तरफ का यूज़ करूँगी मैं क्योंकि इस पर प्रिंट है जो मुझे अच्छी नहीं लग रही तो मैं उल्टा साइड यूज़ करूँगी आपके पास प्लेन हो तो उसको प्लेन को यूज़ कर लीजिएगा अब इसको नीचे की साइड को इस तरह से हम फैलाएँगे कि ये इस तरह से एक बॉक्स बन जाएगा देखिए नीचे की साइड को ऐसे फैलाना है और इसको बॉक्स शेप में ले आना है ये देखिए एक शेप आ गया इसका बस थोड़ा सा ऐसे ही हाथ से सेट कीजिएगा ये शेप में आ जाएगा शेप में आने के बाद अब हमें सिलाई लगानी है इस पर तो एक सिलाई पहले इधर लगाइएगा फिर लंबाई की तरफ दूसरी सिलाई और फिर छोटे छोटे पार्ट में लगाइएगा सारी सिलाई अलग अलग लगाइएगा तभी ये चौकोर बॉक्स बनेगा तो ये देखिए ये मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं और एक चौकोर बॉक्स नीचे से बन गया है अब इसको हम फिर से सिलाई को लेते हुए इसको सेट करेंगे तीनों सिलाई मिला दीजिए ऐसे बीच से और पीछे आगे वाली अब इसकी माप लेंगे हम हमें तेरह इंच चाहिए लंबाई बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को हम काट के निकाल देंगे कटिंग करते वक्त जो क्लिप थी वो डिलीट हो गई है लेकिन आप समझ लीजिए कि यहीं से हमें इसको कट करके अलग कर देना है ये गाइस देखिए यहाँ से कट आ, हो गया है अलग हो गया है अभी ये जो साइड वाली पार्ट है जो कटिंग वाला पीस बचा है उसको हम एक पॉकेट लगाएंगे इसमें तो पॉकेट कितनी बड़ी होनी चाहिए जो ऊपर का आपका साइड का आपका जो चौड़ाई है जो सिलाई देख रहे हैं आप ये इसी सिलाई के बराबर आप पॉकेट कट कर लीजिए लंबाई जितनी चाहिए रख लीजिए लेकिन चौड़ाई उतनी ही रखिएगा और नीचे का पार्ट जो ओपन वाला है वहाँ से हम रख करके सिलाई लगाएंगे बस इसे ऊपर पॉकेट छोड़ देंगे देखिए इस तरीके से लगेगा ऊपर से खुला है और नीचे के साइड हमने बंद कर दिया है एक पॉकेट तैयार हो गई इस तरीके से हो गया ये अब क्या करना है अब इसको फिर से हम फोल्ड करेंगे बीच वाला पार्ट पकड़ लेंगे और एक बार और फोल्ड कर लेंगे इसको एकदम बराबर करना है इवन कर लीजिए सब कुछ इसमें ये देखिए जहाँ से ऊपर वाली पार्ट है जहाँ से बंद वाला पार्ट है वहाँ से हम माप करेंगे तीन इंच का तीन इंच ऊपर तीन इंच नीचे ये रखा और इस पर एक मार्क कर लिया और सेम वाला मार्क हमें नीचे की तरफ भी कर लेना है ये देखिए दोनों कर लेंगे बस ये करने के बाद ये आएगी हमारी तीन इंच ऊपर तीन इंच नीचे तो तीनों दोनों मिला के छः इंच हो गई अब इसकी हम कटिंग करेंगे कटिंग कैसे करनी है जरा सी हमको एकदम से थोड़ी सी बस लगानी है कैची हल्का सा और जहाँ तक मार्क किया वहाँ तक सीधा हमें काट के यहाँ पे रोक देना है कैची बस यहीं तक करनी है इसको अब ये कंप्लीट हो गया है लेकिन मैं एक चीज़ और दिखा दूँ आपको कि इसमें सिर्फ़ एक मैंने पॉकेट लगाई है जिसमें एक सिलाई लगी है और यहाँ पे एक सिलाई से हमने इसको स्क्वायर शेप दिया है बाकी इसमें हमने कुछ नहीं किया है अब ये है मेरी सिलाई मशीन जिनको सिलाई बिल्कुल नहीं आती है या जो आ, क्या कहते हैं सिलाई नहीं करना चाहते हैं वो बहुत ईजीली दो सिलाई से एक मशीन का कवर बना सकते हैं तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल परफेक्टली ये बन के रेडी हुआ है मैं इसको इस पर पहना के दिखा देती हूँ तेरह इंच की लंबाई रखी है मैंने जहाँ तक धागे का जो वहाँ पे फंक्शन है वहाँ तक की लंबाई मैंने ली है इसमें और इस तरीके से मैंने कट किया है साइड में देखिए आप एक पॉकेट छोड़ी है मैंने जिसमें आप अपने कुछ टूल्स लगा सकते हैं मशीन के और भी आप चाहो तो पीछे पॉकेट डाल सकते हैं आगे पॉकेट डाल सकते हैं और साइड भी पॉकेट डाल सकते हैं आप ऊपर से कट किया था मैंने क्योंकि मेरी मशीन में हैंडल लगा हुआ था तो मुझे उठाने में रखने में ईजी होता है इसीलिए मैंने ऊपर से कटिंग कर दी थी आपको नहीं चाहिए ये कटिंग वाला हैंडल वाला पार्ट तो आप मत कट कीजिए एक से एक अच्छे से मतलब एक मजबूत वाले कैरी बैग से बहुत इजीली ये आप दो सिलाई में बना सकते हैं हैक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा नेक्स्ट आई कर रही हूँ मैं तो गाइस इसके लिए एकदम रफ सा जो कैरी बैग आता है जो एकदम ट्रांसपेरेंट सा होता है वो वाला हमें लेना है तो इस तरह और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसमें हम नॉन कलर लेंगे कलर नहीं चाहिए इसमें बिल्कुल भी हमें तो ये दो चीज़ का ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल हल्का वाला लेना है प्लस कलर नहीं हो वाइट ही लेना है आपको एक कैप है ले रही हूँ मैं कोई भी एक कैप आप सेलेक्ट कर लीजिए मीडियम साइज़ का उससे तीन चार पाँच दोहरे आप कैरी बैग को करके उस पर एक मार्क कर लीजिए हाँ मार्क करने के बाद उसकी हम कटिंग कर लेंगे गोल गोल तो एक साथ इकट्ठा हम इसको निकालेंगे तो कई दोहरे मैंने इस तरह से कई पार्ट कर लिया है और इसको एक साथ मैं कट कर लूँगी आप चाहो तो इसको चौकोर में भी निकाल सकते हैं तो ये देखिए कुछ पीसेस जो है मैंने इसको कट कर ली हैं और ये मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में कट की है क्योंकि मैं ज़्यादा दिन तक इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा जो पहले हमने मार्क लगाया था वो वाली पीस को या तो आप हटा दीजिए या फिर उसको जो है मार्क को कर, कट कर दीजिए एकदम ताकि उसमें से जो कलर है वो निकल आइए ये बहुत ज़रूरी है ये ध्यान रखिएगा पेन पेंसिल किसी चीज़ से भी अगर आपने मार्क किया है तो उसको काट के अलग कर लीजिएगा और इतनी पीसेस मैंने कट की हैं यहाँ पे आप कोई भी एक बॉटल डिब्बी कोई भी एक जार ऐसा कुछ ले सकते हैं जिसमें आप इसको सेट कर सकें और इसको हम इसमें सेट कर लेंगे ये देखिए ऐसे सेट कर लेना है एक के ऊपर एक जिस चीज़ में भी आप रख रहे हैं वो आ, उसमें कवर करके लॉक करके ही रखना है तो ढक्कन वाली कोई चीज़ ले लीजिए। यहाँ पे एक कप लिया है मैंने तो कोई भी गहरा बर्तन कोई भी ले लें आप इसमें मैं दो चम्मच डाल रही हूँ गुलाब जल किसी भी ब्रांड का आप गुलाब जल ले लीजिए दो बड़े चम्मच मैंने ऐड किए हैं दूसरी चीज़ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें जो है प्योर कोकोनट ऑयल कोई भी कोकोनट ऑयल आप ले सकते हैं ये स्किन को बहुत स्मूथ करता है हाइड्रेट करता है तो दो चम्मच करीबन मैं इसमें कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है और तीसरी चीज़ जो है वो गिलसरीन है बहुत ही सस्ती चीज़ है मार्केट में भी बहुत ही इजीली अवेलेबल है आई आई एम श्योर कि आपके पास भी होगा और एक चम्मच इसकी क्वांटिटी हम रखेंगे ये तीनों चीज़ें स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं तो इस जो लिक्विड को हमने बनाया है उसको हम चार में हम वाइप्स में पूरे को हम डाल देंगे इस तरीके से देखिए क्वांटिटी इतनी रखिएगा कि पूरी वाइप्स जो है अच्छे से इसमें भीग जाए और इसको हम लॉक लॉक करेंगे लॉक करने के बाद थोड़ा सा इसको शेक कर देंगे ताकि सारी वाइप्स में अच्छे से ये लिक्विड मिल जाए ये देखिए ये मिक्स हो गया यूज़ करिएगा दस पंद्रह मिनट के बाद इसको यूज़ करिएगा ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए अब जो जो मेकअप हम यूज़ करते हैं उनमें से कुछ मेकअप मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ तो जैसे कि मैं फाउंडेशन स्टिक लगा रही हूँ लिपस्टिक का हम लगाते हैं तो ये लिपस्टिक मैंने लगा ली और भी कुछ कलर मैं ऐड कर दे रही हूँ ताकि ठीक से इसको वाइप करना है अब हमें तो जैसे कि ऐसा हम मार्केट में मेकअप रिमूवर ख़रीदते हैं वाइप्स के लिए दो सौ तीन सौ रुपये के आपके ये मिल जाते हैं लेकिन यहाँ पे आप दस बारह रुपये में कैरी बैग से बहुत इजी इसको मना सकते हैं तो एक वाइप मैंने ली है ध्यान से देखिएगा कि बस एक स्ट्रोक में ही ये सारा मेकअप बाहर आ गया कितना भी अच्छा ब्रांड आपका हो या कितना ही वाटर आपका मेकअप है सिर्फ एक स्ट्रोक में यह सारा मेकअप को रिमूव कर देगा यह बहुत अच्छा है ट्रासमी और मैं पर्सनली इसको अपने लिए बना के यूज करती हूँ कैरी बैग से बना लीजिएगा तो बहुत सस्ता पड़ेगा बिल्कुल ही दो चार रुपए में बन के ये रेडी होगा आप देख सकते हो कि सारा मेकअप निकल के इस कैरी बैग के एक वाइप में आ गया है बहुत अच्छा रिमूवर बन के ये रेडी हुआ है कैरी बैग का तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं एक बारी और मैं मेकअप से एक बारी और मैं लगा के दिखा रही हूँ आपको ताकि थोड़ा भी डाउट ना रहे कि इसमें से मेकअप बाहर आएगा कि नहीं आएगा तो ये थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा इस बारी मैंने लगा लिया और इसको आप एक वाइप से हम क्लीन करके देखेंगे कि ये इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में वाइप होता है कि नहीं होता है तो एक पीस लिया है मैंने बस देखिए एक स्ट्रोक मैंने लगाया पूरा का पूरा मेकअप जो है बाहर आ गया ये देखिए इतने अच्छे से ये आपकी आई को लिप को स्किन को आपको क्लीन करेगा कोई भी हार्म नहीं होगा कैरीबैग का कपड़ा बहुत सॉफ्ट है ये वाला तो किसी भी तरह का हार्म नहीं होगा प्लस एक चीज़ और दिखा दे रही हूँ कि मेकअप वापस से आपकी स्किन में भी नहीं आएगा ये देखिए मैं रगड़ के वापस से निकालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वो वापस से भी नहीं आ रहा इसमें गाइज आई होप कि आपको मेरा आइडिया पसंद आया होगा कौन सा हैक आपको ज़्यादा पसंद आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा क्योंकि उसी तरह के हैक मैं और भी लाने की कोशिश करती हूँ वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और हाँ इससे आपकी स्किन स्मूथ रहेगी जरा भी ड्राई नहीं होगी क्योंकि गिल्सरीन इसमें यूज़ किया गया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कॉमेंट जरूर करिएगा थैंक यू बाय